खुशियों आशाओं और आनंद से भरा हुआ आपका नया साल। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मई से लेकर मीन राशि के लिए कैसा होगा आज का दिन? क्या आज मिलेगी आपको अपनी मनपसंद नौकरी? क्या निवेश से होगा आज आपको लाभ? किस समय से शुरू हो रहा है आज का राहु काल? आपकी राशि के लिए कौन सा रंग होगा लकी? हम जानेंगे आज के राशिफल में। अब जानते हैं 24 जनवरी 2022 दिन सोमवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत चल रहा है 2078, शक संवत 1943, कली संवत 5123 है। हिंदू पंचांग के अनुसार मास माघ है, पक्ष कृष्ण पक्ष और ऋतु शिशिर ऋतु है। आज षष्ठी तिथि सुबह 8:43 तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज हस्त नक्षत्र सुबह 11:15 तक लग जाएगा, इसके बाद चित्र नक्षत्र लग जाएगा। आज का करण रहने वाला है तैतल, जो सुबह 9:12 तक रहेगा, इसका घर करण लग जाएगा, जो रात 9:01 तक रहेगा, इसका वणिज करण लग जाएगा। आज बनने वाला योग सुकर्मा योग है, जो सुबह 11:12 तक रहेगा, इसके बाद धृति योग लग जाएगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में रात 11:08 तक गोचर करेंगे, इसके बाद तुला राशि में गोचर करेंगे। इस समय सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर सूर्योदय की बात करें तो आज सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:54 पर होगा। आज चंद्रोदय रात 11:55 पर होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। और अब बात कर लेते हैं राहु काल की। जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, और आज राहु काल सुबह 8:33 से शुरू होकर सुबह 9:53 तक रहेगा। और इसके साथ ही दर्शकों, हमने आपको आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आप अपने शहर के अनुसार सटीक पंचांग जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जानकारी पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त हो। और साथ ही साथ आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी ढेरों शुभकामनाएं। शिव पार्वती की तरह आपकी जोड़ी भी सदा सलामत रहे। चौबीस जनवरी मेष राशि। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको विवेक और संयम बरतने की सलाह दे सकता है। यह गोचर आपके परिवार और सहकर्मियों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर असहमति का कारण बन सकता है। आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। सोच समझकर कोई भी बात करें, क्योंकि एक बार कहा गया शब्द वापस नहीं आ सकता। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, बहस करना आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अब जानते हैं मेष राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपके लिए रोमांस की दुनिया सफलताओं से भरी है। अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं और आपसी प्यार बढ़ाएं। मस्ती करना ना भूलें, यह आपके रिश्ते को और गहरा बनाएगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप पाएंगे पिछले कुछ समय से जो बातें आपको परेशान कर रही थी आज वो परेशानी कम हो रही है। आप पर काम का बोझ बड़ा रहेगा, लेकिन काम से संबंधित कुछ तनाव कम भी हो सकता है। तनाव के इस दौर को नजरअंदाज ना करें, अपना प्रयास जारी रखें। वहीं वित्त के मामले में मेष राशि में आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बहुत हद तक मुमकिन है कि ऑफिस में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, जैसे कि आपको आर्थिक लाभ हो। आर्थिक सफलता से आपकी जिंदगी में ना सिर्फ एक नई चमक आएगी बल्कि उन्नति के उसके रास्ते भी खुलेंगे। यह भी मुमकिन है कि आपके वेतन में बढ़ोतरी हो। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें आज नौकरी के लिए बुलावाने की अच्छी संभावना है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मेष जातक, सेहत के प्रति सावधान रहें, क्योंकि आपको बुखार हो सकता है। अगर आपको तेज बुखार है तो आराम करें और कोशिश करें कि कोई भी तनाव से संबंधित काम ना करें, इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखकर आप जल्दी बीमारी से निजात पा सकते हैं। और आखिर में मेष राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए काले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। वृषभ राशि। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको अपने काम से संतुष्ट रख सकता है। कोई भी कानूनी मामलों का अधूरा काम आपके पक्ष में हो सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे संतुष्ट रहेंगे, आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन आपके रोमांस के लिए उत्तम संकेत लाया है। अकेले लोगों का उनके पार्टनर से मिलन होगा।
अगर इस रिश्ते में पहले से मन है तो आप जान पाएंगे कि वह पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है। उसे आप भी ढेर सारी खुशी और प्यार देने की कोशिश करें, वह खुश होगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के करियर के बारे में। आप इस बात का पता करने की कोशिश करेंगे कि काम से संबंधित किस क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता कुछ कम है और आप उसे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। ये कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र हो सकता है या फिर आपकी संप्रेषणा कला भी हो सकती है। आप अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लेंगे या फिर उससे संबंधित कोई किताब भी पढ़ेंगे। वहीं वित्त के मामले में वृषभ राशि वालों, आज किसी के साथ कोई साझेदारी करते हुए या कोई लेन देन करते हुए सावधान रहें। जरूरी नहीं कि हर किसी का प्रस्ताव नकार ही दे, लेकिन साझेदारी चुनते वक्त सावधानी बरतें। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ठीक से जान जबर जरूर लें। आप निश्चित हो लें कि जिसके साथ आप साझेदारी करने जा रहे हैं उसे पहले से ही आप जानते हो। आपके उसे पिछले रिकॉर्ड को भी जान लेना चाहिए। जहां तक पैसों का सवाल है, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृषभ जातक जिन्हें आप प्यार करते हैं उनकी सेहत के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। उनके ग्रह उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको उनकी सहायता करनी होगी। ये वो समय है जब आपको उन्हें समझाना होगा और उनके साथ खड़े होकर उनकी सराहना करनी होगी। और आखिर में वृषभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योग की ज्योतिष के अनुसार हरा रंग आपके लिए लकी माना जा सकता है। शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। मिथुन राशि। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि वालों के जीवन में नकारात्मकता को दूर करेगा, आपको ऊर्जावान महसूस कराएगा। आप उन खराब आदतों को छोड़ सकते हैं जिनसे आप और आपके परिवार के लोग दुखी हैं। सफलता पाने के लिए खुद को तैयार रखें, कोई काम पूरा करने में पूरा ध्यान लगाएं। आइए जानते हैं प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आप दोनों के बीच आपसी नजदीकियां और जज्बात आज उफान पर हैं। आप दोनों में से कोई एक रिश्ते को गहरा बनाना चाहता है। अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करें और सुने भी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के करियर के बारे में। कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के कारण आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। अपने आत्मविश्वास व बुद्धिमत्ता से सफलता प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें। इसे आप अपने बॉस को यह बता सकेंगे कि आप किस मिट्टी के बने हैं। वहीं वित्त के मामले में मिथुन राशि वालों, आज ये जरूरी है कि आप अपने आर्थिक मामलों से संबंधित सभी सूचनाएं जुटाएं। कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना लें क्योंकि आर्थिक स्थिरता की आशंका है। अगर आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो आज सिर्फ शेयर बाजार के मिजाज पर नजर रखिए। आज जुटाई गई सभी सूचनाओं को कल के लिए बेहतर निवेश के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मिथुन जातक कफ और जुखाम से सावधान रहें क्योंकि आज आप छोटी छोटी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। आपको इन छोटी बीमारियों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। और आखिर में मिथुन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार लाल रंग के कपड़े पहनना आपके लिए लकी माना जा सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शाम 5:20 से शाम 7:20 के बीच पूरा कर सकते हैं। कर्क राशि। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको थकान महसूस करा सकता है। आपको अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उनकी तैयारी करनी चाहिए, ना कि उसकी चिंता में वक्त बर्बाद करना चाहिए। बस आगे बढ़ते रहें, इससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आपके और आपके साथी के मिलने के लिए यह उपयुक्त समय है। यदि आप अपने साथी के समक्ष कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं यह उपयुक्त समय है, जबकि वह मान जाएगा। अतः इस मौके का फायदा उठाएं जिससे आपको भरपूर खुशियां मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के करियर के बारे में। आज का दिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको कुछ नए मौके मिलेंगे। अपने रास्ते में आने वाले हर मौके का पूरा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करें। इस तरह के मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। इस व्यवसायिक व व्यक्तिगत क्षेत्र में आपको भविष्य में लाभ ही होगा। वहीं वित्त के मामले में कर्क राशि वालों, व्यवसाय में धीमी गति से कामकाज चलने के कारण आप आर्थिक रूप से तनाव में गिर सकते हैं, लेकिन चिंतित होने से अच्छा है कि अपने व्यवसाय में सुधार करने की कोशिश करें। कई सारी योजनाएं जो अधर में लटकी हैं उन्हें पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है कि इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाए। आपके लिए अच्छा रहेगा कि कोई नया काम शुरू करने से पहले इसे जरूर पूरा कर लें जो पहले से ही हाथ में है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज आपके लिए दिन अच्छा नहीं है, आपको बुखार या फिर दर्द हो सकता है। अपने आप को बचाने के लिए सावधानी बरतें। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो तो उसे लापरवाही से ना लें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और आखिर में कर्क राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार भूरा रंग पहनना आपके लिए लकी हो सकता है।
सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। सिंह राशि, तुला राशि में चंद्रमा का पारगमन आपको पूरी कुशलता से आपको काम करने में मदद कर सकता है। आप बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, आप अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझा भी पाएंगे। आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, किसी भी नई परियोजना में निवेश करने से पहले आप लाभ और कमियों का आंकलन जरूर करें। आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव आ सकता है, आपको काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज के दिन आपसे रिश्ते बनाएं एवं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करके अमल करें। अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत करें, जिससे आपको सकारात्मक फल भी प्राप्त हो सके। इस समय आपको अपने साथी के साथ अकेले में एक दूसरे के साथ मन बहलाव करना चाहिए। आप प्रेम में डूबे रहना चाहते हैं तो अपनी आंख बंद कर लें, अन्य रास्ते खुल जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका साथी आपके साथ भरपूर है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको बहुत सी इज्जत और प्रशंसा मिलेगी। आज आपके साथी और आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए आपको अपनी सकारात्मक व आशावादी सोच को धन्यवाद देना चाहिए। यह आपको औरों को मदद करने की इच्छा का भी फल है। इसी तरह अच्छा काम करते रहें। वहीं वित्त के मामले में सिंह राशि वालों, व्यवसाय से कोई जुड़ा फैसला लेते वक्त आप सावधान रहें, ताकि कोई आपको ठगे नहीं, क्योंकि अंदेशा है कि आप व्यवसायिक साझेदार आपके व्यापार का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करें। वैसे जहां तक आर्थिक मामलों का सवाल है, आपके लिए दिन अच्छा है, पर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाह रहे हैं तो फैसला लेने की अपनी क्षमता को और विकसित कीजिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। सिंह जातक, तनाव भरे दिनों के बाद आज आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप हल्का व्यायाम करें और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों का लंबी दौड़ के लिए आमंत्रित रह सकते हैं। और आखिर में सिंह राशि वालों के लिए टिप्स आमंत्रित। एस्ट्रो योगी ज्योतिष के अनुसार पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। दोपहर 12:30 से 2 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। कन्या राशि, तुला राशि में चंद्रमा का पारगमन आपको अच्छा महसूस करा सकता है। आप आराम कर सकते हैं, अधिक तनाव ना लें, आप जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। अविवाहितों के लिए आज एक अच्छा दिन माना जा सकता है। आज आप आशावादी महसूस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने आप को पार्टनर के सपनों में खोया पाएंगे। गहरे प्यार के समंदर में गोते लगाते रहेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ स्थिति को हमेशा देखना चाहते हैं। आज आपके लिए ऐसा करना ठीक है, पर कल से अपने पैरों को जमीन पर टिका कर चले। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप पाएंगे जो काम आपके हाथ में है, उन्हें आप पूरी कुशलता से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो कदम उठाए, उनसे आपको संतुष्टि मिलेगी। इसी तरह से काम करते रहें, चाहे उनके लिए आपको ज्यादा मेहनत क्यों ना करनी पड़े। वहीं वित्त के मामले में कन्या राशि वालों, सफलता की लंबी व कठिन सीढ़ी चढ़ना बहुत दर्दनाक व धीमा हो सकता है। आपको लगा कि आपकी आमदनी बहुत ही कम रह गई है। आप आमदनी तो बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन जो हासिल हो रहा है वह इतना कम है कि आप हतोत्साहित हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि छोटा छोटा निवेश करें, अपने बजट को संतुलित रखें व एक योजना बनाकर चलें, फिर धीरे धीरे आमदनी बढ़ेगी। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कन्या जातक, अपने परिवार वालों की सेहत को लेकर आज आप थोड़ा घबराए हुए हैं। चिंता ना करें, उनकी सेहत ठीक रहेगी, फिर उन्हें जांच के लिए लेकर जाएं। उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। और आखिर में कन्या राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिष के अनुसार ग्रे रंग के कपड़े पहनना आपके लिए शुभ माना जा सकता है। दोपहर 3:00 से 4:00 के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। तुला राशि, तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको आत्मविश्वासी और सहज महसूस करा सकता है। आप अपने सभी कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से पूरा कर सकते हैं। उन मुद्दों को हल करने के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है, जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन रोमांस से भरपूर होगा, इसे जिंदा दिली से भरपूर से जिए। आपसी वाद-विवाद इस प्रेम में इस रिश्तेदारता को बर्बाद कर सकते हैं। अतः आपको इन वादों से बचकर अपने इन सुनहरे पलों को भरपूर प्यार के साथ जीना चाहिए। अविवाहितों को चाहिए कि वह सावधान रहें, दूर से कोई आज आपको उत्साहित कर रहा है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपने असंभव काम कर दिखाया है, जिसके कारण आप स्थान तक पहुंच सके हैं जहां आप जाना चाहते थे।
आज कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ दिन है, चाहे वो नौकरी हो या फिर आपका व्यवसाय। आप जो काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। वहीं वित्त के मामले में तुला राशि वालों, आज आर्थिक मामले में अदायगी में देरी और नुकसान के संकेत है, इसलिए नाशन आप खर्चे से जरूर बचें। दूसरे मामलों में भी सामान्य चटकर चलने की ना सोचें। आज संभल करने के लिए कल सब ठीक रहेगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। तुला जातक, किसी संक्रमण या फिर कोल्ड के कारण आपकी सेहत थोड़ी सी नाजुक हो सकती है। अच्छा खाना और आराम करके इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मदिरा और मिठाइयों से दूर रहें, ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे। और आखिर में तुला राशि वालों के लिए टिप्स आउट करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार पीले रंग के कपड़े पहनना आपके लिए लकी माना जा सकता है। दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय आपके लिए काफी अच्छा माना जा सकता है। वृश्चिक राशि, तुला राशि में चंद्रमा का पारगमन आपको खुशी और संतुष्ट महसूस करा सकता है। अपने प्रियजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाने के लिए आज का दिन अच्छा माना जा सकता है। घर में शांति और संभाव बनाए रखें। आप कुछ नया करने की कोशिश करें। आज के दिन कोई महत्वपूर्ण काम करने से जरूर बचें। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज का आपका दिन जोश भरा हो सकता है। कोई जो आपके लिए खास है वो आपके करीब आ सकता है। आपका संबंध ज्यादा गंभीर हो सकता है या आपको काफी खुशी के लम्हे देगा क्योंकि आप प्यार में होंगे। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के करियर के बारे में। नई योजना में आप अपनी सच्ची भावना व नकारात्मकता को अभिव्यक्त करना चाहिए। आने वाले लोगों को सलाह लेने से आपको काफी लाभ होगा। अगर आप अपने काम को पूरा कर सके तो आज आप पाएंगे कि भविष्य में आपके करियर में तेजी से सुधार आएगा। अगर आप प्रबंधन के क्षेत्र में हैं तो आप अपनी संस्था में अच्छे मूल्यों को बढ़ा सकेंगे। वहीं वित्त के मामले में वृश्चिक राशि वालों, अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर आप थोड़ी चिंता में पड़ सकते हैं। हो सकता है परिवार में सदस्य कुछ बड़ी रकम आपसे मांग रहे हो और आपको लगता है कि उस रकम की वापसी नहीं होगी। इससे आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, इसलिए इस हालत से समझदारी से बच निकले ताकि ना पैसा हाथ से जाए और ना ही रिश्ता बिगड़े। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृश्चिक जातक, आपने जो मुंहमूल्य पत्थर पहना है उसे ज्योतिष के पास जाकर चेक कराएं। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। गलत समय पर गलत पत्थर पहनने से भी उसका बुरा असर पड़ता है। सुरक्षित रहना ही बाद में पछताने से अच्छा होता है, इसलिए अच्छे किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। और आखिर में वृश्चिक राशि वालों के लिए टिप्स आउट करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ माना जा सकता है। बैंगनी रंग आपके लिए लकी कलर रहेगा। धनु राशि, तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको काम में नए विचार और धारणाओं से काम करने के लिए बेहतर महसूस करा सकता है। आप घर में लगातार परेशानियों से विचलित हो सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको अपने पार्टनर की तरफ से बड़ा ज्यादा प्यार और गर्म जोशी मिलेगी। अपनी भावनाएं उनके साथ खुलकर बांटे, आपको भी जवाब में वही मिलेगा। अकेले लोग किसी नए रिश्ते को बनाने की कोशिश पर ध्यान दें, कोई ना कोई आप पर फायदा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के करियर के बारे में। आपके साथी आज आपका पूरा साथ देंगे, जिससे आपके करियर में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। मेहनत व लगन से काम करने के कारण आपको भविष्य में फायदा ही होगा। एक बात को और ध्यान में रखें कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए जिनको नुकसान हुआ है। वहीं वित्त के मामले में धनु राशि वालों, आज आर्थिक मामले और निवेश के मामले में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। आज किया गया निवेश बिल्कुल सुरक्षित है और आपको लगेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति तो संभल रही है, बल्कि लंबे समय के लिए आपको आमदनी का रास्ता भी मिल गया है। हड़बड़ाहट में कोई फैसला ना लें, जैसा चल रहा है सब ठीक है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। धनु जातक, आज आप राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि आज आपकी सेहत और मूड दोनों ही बढ़िया रहने वाले हैं। आप पूरे दिन खुश रहेंगे मगर लापरवाही ना करें। अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए व्यायाम जरूर करें। और आखिर में धनु राशि वालों के लिए टिप्स आउट करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:15 बजे के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली माना जा सकता है। आज आपके लिए ऑफ व्हाइट लकी कलर है। मकर राशि, तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको बेहतर बना सकता है। आप खुद को जरूरी गतिविधियों की ओर आकर्षित पा सकते हैं। आपको आनंद और मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। जीवन में किसी भी चीज से विराम लेकर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं।
आप काम में अपना विश्वास बनाए रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। छात्रों को अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने में कठिनाई होगी, क्योंकि कोई भी उन्हें प्यार भरे संदेश भेज रहा है। इस समय पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, वह किसी कीमती पर आपका ध्यान ना भटकने पाए। परीक्षा के बाद ही संदेशों पर ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। आपको जो पहचान मिलनी चाहिए थी आज वो मिल सकेगी। आज आप सभी की नजरें आप पर रहेंगे, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही चलेगा। इस शुभ समय में आपके करियर में भी काफी वृद्धि होगी। वहीं वित्त के मामले में मकर राशि वालों, पैसे रुपए के मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए ये सावधानी रखना जरूरी है कि आप अपना पैसा किन बचत योजनाओं में लगा रहे हैं। अगर अचानक कोई पैसा आज हाथ लगे तो उसे तुरंत बैंक में जमा कर दीजिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मकर जातक, आज आपको अपने भावनात्मक विचारों पर नजर रखनी होगी। हो सकता है पढ़ाई या फिर किसी काम का बोझ आप पर बना रहे। आप किसी से अपने मन की बात कह सकते हैं ताकि आप तनाव कम करें और खुद को भी आराम दें। और आखिर में मकर राशि वालों के लिए टिप्स सौंदर्य। एस्ट्रो योगी ज्योतिष के अनुसार भाग्य को बढ़ाने के लिए गोल्डन आपका लकी कलर हो सकता है। शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय आपके लिए सुखद रहेगा। कुंभ राशि, तुला राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें। आप किसी बात को लेकर कुछ परेशान भी हो सकते हैं। अत्यधिक काम करने से आपको थकान हो सकता है। आप व्यवस्थित रूप से काम करते रहें और बेहतर के लिए प्रयास करते रहें तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने साथी से मिलने हेतु यात्रा पर जा सकते हैं, अन्यथा दोनों ही एक साथ सैर सपाटे पर जा सकते हैं। अपने मित्रों एवं प्रियजनों को छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यह एक अच्छा मौका है जिसके कारण आप अपने व्यस्त दिनचर्या से बाहर निकलकर उन क्षणों को याद कर सकेंगे जबकि आप पहली बार अपने साथी से मिले थे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के करियर के बारे में। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में उससे संबंध रखते हैं, आज आपकी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ये अवसर अचानक ही आ सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आपकी कड़ी मेहनत का फल जल्द ही मिलने वाला है, तैयार रहें। वहीं वित्त के मामले में कुंभ राशि वालों, आज आपको लगेगा कि रुपयों पैसों से किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे नेक काम का भविष्य में अच्छा फल मिलता है। आपके अपने खर्चे पूरे हो रहे हैं तो दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत करने में आपका कुछ जाता भी नहीं है। आपको मन की खुशी मिल रही है और क्या ही चाहिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कुंभ जातक ध्यान से आज आप रोमांचित और योग से अपनी भावनाओं को पर काबू रखना सीख पाएंगे। योग और ध्यान आपके शरीर को शांत रखने ही नहीं बल्कि दिमाग को भी शांत रखने में मदद करता है। और आखिर में कुंभ राशि वालों के लिए टिप्स सौंदर्य। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 6:35 से 7:35 के बीच का समय भाग्यशाली है और लाल रंग आपके लिए लकी माना जा सकता है। मीन राशि, तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको सावधानी से रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास करने से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। यह प्रवृत्ति आपको निराश कर सकती है। इतनी जल्दी खुद को नियंत्रित करने की पूरी ताकत किसी को सौंपने से पहले सोच विचार जरूर कर लें। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज भावनाओं में बह जाने का दिन है, अतः बेहिचक अपने दिल की चाहतों को अपने साथी से कह डालें। एक दूसरे में खो जाने एवं आपसी रिश्तों को और मजबूत हो जाने दें। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे, पूरे दिन आप मीटिंग में ही घिरे रहेंगे। अगर आप अपनी सभी जिम्मेदारी को सही से पूरा कर पाए तो आपको बॉस या साथियों पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पूरी मेहनत से काम करते हैं तो आप देंगे सब कुछ आपके हक में ही रहेगा। वहीं वित्त के मामले में मीन राशि वालों, आज का दिन आपको वित्तीय संवाद की सोच दे सकता है। आप अपने लिए व परिवार के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं लेकिन आपको उस परिस्थिति में आप नहीं पाते हैं। आपको अपने पर प्यार की बरसात करने का समय नजदीक है लेकिन वो भी समय नहीं है। अपनी नौकरी को बदलने के विषय में ना सोचिए, जल्दी अच्छा समय आने ही वाला है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मीन जातक, आप खुद पर संयम बनाए रखें ताकि आपको कोई शारीरिक परेशानी ना हो, खासकर तब जब आप दूसरों से अपनी परेशानी छिपाते हैं। आप तनाव की स्थिति में अपने दिमाग में ज्यों की त्यों बनाए रखेंगे। आज आप तनाव कम करें जिसका असर अच्छा आपकी सेहत पर पड़ सकता है। और आखिर में मीन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हल्के नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। शाम 4:30 से 6:15 के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है।
अगर आप कुंडली, विवाह, पंचांग, शुभ मुहूर्त, राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर से और पाएं अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिषाचार्यों से। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर वन लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।